सर, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोगों के लिए एएमयू की तरफ से। यहाँ पे क्लास 11th में आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स में एडमिशन की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और ये बहुत लाजवाब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस स्कीम में आपको एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें बाकी फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो बहुत बड़ी फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है वो ये है कि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंटरनल कैंडिडेट बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं, एएमयू में अगर आप इंटरनल कैंडिडेट बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ऑलमोस्ट आप आने वाले टाइम में जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम आप देंगे, मतलब एडमिशन के लिए एएमयू में, उनमें आपको कंपटीशन जो है वो ना के बराबर फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन की बात हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, या पीएचडी की, वहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको थोड़ी सी मेहनत में वो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन दिला सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है ये स्कीम, हम वन बाय वन हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे और फाइनली आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th यूनिवर्सिटी से ही किया एएमयू से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उस केस में आपको 80% सीट्स रिजर्व हैं, टोटल पेमेंट सीट की 80% सीट्स। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर से आपने 10th किया हुआ है, तब भी आपको 20% सीट्स पे एडमिशन का ऑफर है। बात ये आती है कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने कैसे जा रहा है, तो आपकी मेरिट बनेगी बेस्ड ऑन योर मार्क्स ऑब्टेंड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 11th के लिए कंडक्ट किया था, उसमें आपके मार्क्स देखे जाएंगे, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी उसमें अगर आप आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन के वक्त आपको 25,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, उससे पहले और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो वो क्या क्या होंगी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, कब आप अप्लाई कर सकते हैं उन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद। तो देखिए, पहली रिक्वायरमेंट है आपकी कि आप ने एडमिशन टेस्ट में हिस्सा लिया हो एएमयू के, यानी कि क्लास 11th के लिए आपने अप्लाई किया हो, और वहाँ पे आपको 15% मार्क्स मिले हो कम से कम, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपने सिर्फ डिप्लोमा में अप्लाई ना किया हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लिए ही फॉर्म भरते हैं, जिन्होंने ऐसा किया वो इस स्कीम में हिस्सा नहीं ले सकते। आपने आर्ट्स में अप्लाई किया हो तब भी हिस्सा ले सकते हैं आप, आपने कॉमर्स में अप्लाई किया तब भी आप हिस्सा ले सकते हैं, और आपने अगर साइंस में अप्लाई किया तब भी आप इसी स्कीम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई नहीं कर सकता, अगर आपको एडमिशन का चांस मिला था और आपने एडमिशन नहीं लिया, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? अब हम आपको बिल्कुल साफ साफ दोबारा से समझा देते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने क्लास 11th में किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई किया है, या क्लास 11th साइंस में डिप्लोमा के साथ अप्लाई किया, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ डिप्लोमा के लिए आपने अप्लाई किया तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। 11th आर्ट्स या 11th कॉमर्स में आपने अप्लाई किया था, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हर एक कंडीशन में ये कंडीशन रखी गई है कि आपके 15% मार्क्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए हों। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एडमिशन का चांस ही नहीं मिला, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चांस मिला था और आपने एडमिशन नहीं लिया, अब आप सोच रहे हैं कि आप एडमिशन ले लें, तो आपको आप ये हक नहीं दे रही यूनिवर्सिटी। क्लियर है? अगले पॉइंट पे इसने बाइफरकेट कर दिया है। साइंस वालों के लिए ऊपर समझा दिया है कि साइंस वाले कब एडमिशन ले सकते हैं, और नीचे कहा गया ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के लिए। तो वो हम आपको समझा चुके हैं कि आपने अगर साइंस में अप्लाई किया था तो आप साइंस में ले सकते हैं एडमिशन, और अगर आपने पहले ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में अप्लाई किया था तो आप उसमें आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल एकोमोडेशन आपको नहीं मिलने जा रही है। हॉस्टल एकोमोडेशन मतलब होता है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा जब तक आप पढ़ेंगे इस स्कीम के तहत, यानी कि अगले 2 साल तक 11th 12th में आप वहाँ जब पढ़ेंगे, तो आपको एडमिशन देने के बाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल नहीं देगी, कॉमन रूम की फैसिलिटी नहीं देगी, रीडिंग रूम की फैसिलिटी नहीं देगी। ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो हमने आपको बताई थी, इंटरनल कैंडिडेट मानेगी आपको जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अपियर होंगे, या उसके बाद किसी और एग्ज़ाम में अपियर होंगे। क्लियर है आपको?
अगर कोई स्टूडेंट्स अभी भी कहीं पे किसी हॉल में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो उसको इसी स्कीम में एडमिशन मिलने के बाद वो उस हॉल में नहीं रहेगा, उसको वो हॉल हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है फ़ी। तो देखिए फ़ी यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है कि 25,000 रुपये आपने जैसे ही एडमिशन होगा आपका वहाँ पे आपको जमा करने पड़ेंगे। इससे पहले 150 रुपये आपको DD फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में या कैश रिसिप्ट फॉर्म में जमा करने होंगे। वो हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे कैसे कैसे हम जमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। देखिए कंडक्ट ऑफ के क्लासेस, क्लासेस कब से आपकी शुरू होंगी, तो क्लासेस शैल बी हेल्ड इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में होंगी ये क्लासेज आपकी। और आगे क्या कहता है पॉइंट नंबर 6 पे, ये कह रहा है पहला पॉइंट इसमें कि आपने एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा प्रॉपरली। उसके बाद पॉइंट दूसरा देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, इस वेबसाइट से मिलेगा, emucontrollerofexam.com से। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट सेपरेट फॉर्म्स, सेपरेट फॉर्म्स कैंडिडेट को सबमिट करने पड़ेंगे फॉर एडमिशन टू SSSC, यानी कि क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में और कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो साइंस में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप चाहते हो कि कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में भी आप अप्लाई करो तो आपको दूसरा फॉर्म भरना ही होगा। देन डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज विथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पॉइंट नंबर 7, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अटैच करने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है, आपका 10th क्लास की मार्कशीट, ओके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसकी भेजनी होगी जो पॉइंट नंबर 1 पे कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 पे क्या कहता है, कैश स्लिप या डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना पड़ेगा AMU फाइनेंस ऑफिसर, AMU अलीगढ़ के नाम पे, और ये अलीगढ़ में ही पेएबल होगा। अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं कैंपस के आसपास तो आप कनरा बैंक जा करके वहाँ से कैश स्लिप भी ले सकते हैं। उस केस में आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं DD पर, आई थिंक 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे आपको। अगर आप कैश स्लिप से जमा करोगे पैसा तो आपको वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 कहता है सबमिशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म आपने कहाँ सबमिट करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो एड्रेस आपको ये दिया हुआ है, इस पर आपको 26 अगस्त तक एनी हाउ भेजना है, 2 बजे तक वो पहुँच जाना चाहिए। अगर आप कहीं भी अलीगढ़ के बाहर रहते हैं तो फटाफट कल तक आपको फॉर्म डिस्पैच कर देना चाहिए ताकि किसी भी परेशानी से आने वाले वक्त में बचा जा सके और कंफर्म हो सके कि आपका एडमिशन का प्रोसेस सही डायरेक्शन में चल रहा है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका फॉर्म वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, बहुत बड़ी मेंटल कहने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ऐसे में। अगला पॉइंट देखिए पॉइंट नंबर 9, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट, एडमिशन लिस्ट कब दिखाई देगी, कब डिस्प्ले होगी। तो ये कहता है द एडमिशन लिस्ट शेल बी डिस्प्लेड ऑन दिस वेबसाइट। पॉइंट नंबर 10 कहता है अलॉटमेंट ऑफ स्ट्रीम या स्कूल, स्ट्रीम या स्कूल विल बी अलॉटेड थ्रू काउंसलिंग, काउंसलिंग होगी आपकी तभी आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। नो अपग्रेडेशन शैल बी एप्लीकेबल, और कोई अपग्रेडेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको फ्री सीट पे बाद में नहीं भेजा जाएगा। अगर आप पेमेंट सीट पाए हैं तो पेमेंट सीट पे ही एडमिशन होगा आपका, और उसके बाद भी वो चेंज नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी चाहिए, वो ये सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपने कैसे भेजना है। तो जो लोग अलीगढ़ में रहते हैं वो जाकर के बाई पोस्ट जमा करें या बाई हैंड जमा करें या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएं। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस मतलब AMU का जो पोस्ट ऑफिस है मेन, आप वहां पहुंच करके फटाफट उसकी रजिस्ट्री कर दें या स्पीड पोस्ट कर दें। स्पीड पोस्ट इवन रजिस्ट्री से भी फास्ट जाती है, तो वो आपको फौरन मतलब एक तरह से गारंटी देगी कि वो आपका टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी, फॉर्म पहुँच जाएगा। अदरवाइज कुरियर कंपनियाँ कोई भरोसा नहीं होता वो कितना टाइम ले ले, या फिर बहुत स्टैंडर्ड कोरियर कंपनी हो जैसे ब्लू डार्ट वगैरह, वो चार्जेस बहुत लेते हैं, आई थिंक 250-300 रुपये से कम वो चार्ज नहीं लेने वाले आपसे एक छोटे से पैकेट के, लेकिन आप उन पर भी रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स में यहाँ मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि 80% सीट्स ऑफ टोटल अवेलेबल सीट्स, सपोज यहाँ 100 सीट्स अवेलेबल हैं तो 80% सीट तो इंटरनल कैंडिडेट्स से भरी जाएंगी और 20% मौका मिलेगा एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को। इतना सा मेजर डिफरेंस है, बाकी कोई खास डिफरेंस
एक्सटर्नल बच्चों में और इंटरनल बच्चों में नहीं रखा गया। अब हम चलते हैं फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, तो फॉर्म कैसे कैसे भरना वो एक बार बता देते हैं आपको और दैट्स इट। अब देखिए ये रहा फॉर्म आपका। सबसे पहले यहाँ पे आपने CR नंबर यानी कैश रिसिप्ट नंबर या DD नंबर भरना होगा। डिमांड ड्राफ्ट पे जो तीन चार नंबर सबसे नीचे की तरफ दिए होते हैं उनमें सबसे पहला वाला नंबर, ऐसे तीन नंबर वहाँ दिए होते हैं, जो पहला नंबर होगा वो आपने यहाँ पे भरना है। अमाउंट भरना है 50 रुपीज़ पे करना है आपने, और DD इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर या MU अलीगढ़ पेएबल एट अलीगढ़ भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम एक बॉक्स में, एक जैसे किसी का नाम अगर आसिफ है तो ए यहाँ पे, होल्ड ऑन जस्ट मोमेंट, ए यहाँ पे, एस यहाँ पे, ऐसे करके आप भरना, शुरू से शुरू करना एकदम ऊपर से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद फादर्स नेम सब कुछ कैपिटल लेटर्स में होगा, मदर्स नेम आप भरेंगे, और ये सब का सब एज पर योर 10th क्लास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बिल्कुल भी जरा सा भी रत्ती भर भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं चलता, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू, कहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स या ह्यूमनिटीज़ है, वो आपने फिल करना होगा। एडमिशन टेस्ट डिटेल भरनी पड़ेंगी आपको, रोल नंबर क्या था आपका, एप्लीकेशन नंबर क्या था आपका, देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, रोल नंबर क्या था आपका, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा होता है जो 10th क्लास का था, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने वो पास किया है, देन उसके बाद स्कूल कौन सा था, एग्जाम नंबर क्या था, परसेंटेज कितनी आपको हासिल हुई है। उसके बाद ये तो आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक है। इतना छोटा सा फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, और ये जो है आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिसेंट यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही फॉर्म आपको एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा, उसमें भी कुछ ऐसा वो नहीं है, क्लियर। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।